हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है लक्ष्मी पूजा और आज मैं लक्ष्मी पूजा का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। अभी सुबह के 7 बज रहे और मैं हमेशा उठ के यहीं पे बैठती हूँ क्योंकि खिड़की के पास बैठने से अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा भी आते हैं। और पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ आप लोगों से बोल रही थी लेकिन आवाज़ अच्छी तरह से नहीं आई। मैंने सब पूजा का जो सामान है सब कुछ मंगा लिया है सुबह ही, और मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ करके गंगा जल छिड़क के उसको मैंने कटोरी में रख दिया है। इस तरह से आप लोग देखिए, अभी मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद मैं पूजा का जो सामान है वो सब शुद्धि कर लिया है गंगा जल छिड़क के। अभी मैं रूही को खिचड़ी खिला रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा काम भी है बाकी, तो मैं फटाफट से उसको खिचड़ी खिला के बाकी का काम शुरू करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं आज कहाँ पूजा करने वाली हूँ। क्योंकि मैं जहाँ पे हमेशा पूजा करती हूँ ना, उस जगह पे आज मैं पूजा नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो आज मैं दूसरी जगह पे पूजा करूँगी। तो आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं पूजा का जो स्थान है वो सजाऊँगी। बस मैंने अभी अभी रूही को खाना खिला दिया है क्योंकि मैंने आज बिना लहसुन प्याज के खिचड़ी बनाया था, उसको मैंने अभी खिला दिया है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं लिया था और अभी तो 11 बज गए हैं। तो मैंने सब काम निपटा लिया है, मैं आपको एक एक करके ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैं बना रही हूँ चाय मेरे लिए और फिर आप लोगों से फिर मिलूंगी क्योंकि मैं अभी करने जा रही हूँ पूजा के लिए। जो कुछ भी मैंने कल लाया था वो मैंने आज मतलब उसको अरेंज करना है चित्र से दूसरे जगह पे, क्योंकि मैं पहले जहाँ पे पूजा करती थी आज उस जगह पे पूजा नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे पूजा नहीं करूँगी, आज दूसरी जगह पे पूजा करूँगी। तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि कहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, किस तरह से सब कुछ अरेंज कर रही हूँ, एक एक करके सब दिखाऊँगी आप लोगों को। तब तक और मैं आ गई किचन में और फिर मैं पानी को गर्म करके चाय दे दिया है, चाय की पत्ती, क्योंकि मैं सुबह को सिर्फ ब्लैक टी ही लेती हूँ। सुबह वैसे भी दूध की चाय नहीं लेना चाहिए। और मैंने अभी चाय बना लिया है और मैं अभी आ गई हूँ लिविंग रूम में और यहीं पे बैठ के चाय पीती हूँ मैं हमेशा। और सुबह को ना हमेशा जो ब्लैक टी होता है ना वही पीना चाहिए। मैं शाम को ही हमेशा दूध के साथ चाय लेती हूँ क्योंकि एक कप तो चाहिए दूध वाला चाय, दूध की चाय मतलब दिन में। तो मैं बिस्किट के साथ चाय पी रही हूँ, साथ में रूही को भी मैं कुछ बोल रही हूँ क्योंकि वो पता नहीं क्या कर रही है, वो जो वार्डरोब है उसको खोल के, हाँ वो होली निकाल रही है क्योंकि रंगोली बनाना है। और चार्ली को देखिए, चार्ली मतलब मैं जब भी बिस्किट खाती हूँ ना तो उसको भी एक चाहिए इसीलिए इस तरह से वो मुझे बुलाती रहती है। और मैं अभी आ गई हूँ पूजा का जो स्थान है उसको सजाने के लिए। मैंने प्रांजल को बोला था कि रेड कपड़ा चाहिए, तो उसने देखी कैसा कितना मतलब कितना कम कपड़ा ला के मुझे दिया है, तो मुझे एक गमछा इसलिए बिछाना पड़ा, उसके ऊपर मैंने रेड कपड़ा सिर्फ वो जो लक्ष्मी माता का जो फ़ोटो है उसको रखने के लिए ही सिर्फ हुआ, बाकी पूरा जो बोर्ड है वो कवर नहीं हुआ। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसी से मैंने काम चला लिया। और मैं अभी मतलब पूजा का जो नियम है तो उसको शुरू कर रही हूँ। पहले मैंने घट के ऊपर ऐसे घट में ऐसे मौली बांध दिया है क्योंकि ऐसा नियम है, मतलब बोला जाता है कि घट में ऐसे मौली को बांधना जाता है। उसके बाद मैं लक्ष्मी माँ के ऊपर ऐसे माला को चढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं जो गेंदे का फूल होता है उसे लक्ष्मी माता के मतलब पास ऐसे सजा रही हूँ क्योंकि मुझे गुलाब का फूल नहीं मिला था, तो मैंने इसी से मुझे काम चलाना पड़ा। और मैं अभी घट पे वो जो बोलते हैं स्वास्तिक वो बना रही हूँ सिंदूर और पानी से इस तरह से, और इसको मैं अभी रख दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल का जो अस्तदल कमल होता है ना वो क्या बोलते हैं, शायद अगर मैं भूल मतलब गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है क्या क्या बोलते हैं, सिर्फ मैंने जो सीखा है वही सीख के किया है। और इसको मैंने अभी बना लिया है
अच्छी तरह से बनाने के बाद इसके ऊपर जो है ना, मैं ये सब ना चावल से बनाते हैं, सफ़ेद चावल से। और इसको मैंने इस तरह से बना लिया है अच्छी तरह से। रूही भी मेरे पास मतलब आती रहती है, उसको मेहंदी भी मैंने ही लगाया दिन में एक टाइम निकल के थोड़ा सा, क्योंकि मेहंदी भी उसको लगानी है, सब काम मतलब मुझे ही करने के लिए बोलती है, तो मतलब बीच बीच में मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। अभी मैंने अस्तल कमल बना लिया है, अभी मैं स्वास्तिक बनाऊँगी सफ़ेद चावल से ही इस तरह से। जब मतलब पूजा का जो वो स्थान होता है ना, उसको जब सजाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सब पहले मैंने किया नहीं था, और शादी के बाद से ही मैंने ये सब कुछ धीरे धीरे सीखा है। और अभी ये मैंने बना लिया है, और अभी मैं घट में पानी में थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम और गंगा जल ऐसे दे के दुर्बा दिया है। उसके बाद मैंने धनिया रखा है देवी माँ के सामने, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि देवी माँ को धनिया बहुत पसंद है। और फिर मैंने घट में थोड़ा सा हल्दी भी दे दिया है, क्योंकि हल्दी भी देना चाहिए। और ये आम का, आम के पत्ते हैं जिसको मैंने ऐसे घट में रख दूंगी। और फिर मैंने श्रीफल में थोड़ा सा टिका कर दिया है, उसके बाद मैं आम के पत्ते को इस तरह से रख के इसके ऊपर नारियल को रख दूंगी। हो सकता है हर जगह में इसका नियम अलग अलग है, लेकिन मैंने इसी तरह से किया है। और ये रहा मेरा पूरा पूजा का स्थान, और यहाँ पे मैंने फूल को भी तोड़ के रख दिया है, क्योंकि इससे मुझे रंगोली बनाना है। और इसके बाद मैंने चारों तरफ दिए को सजाया है इस तरह से। और इस तरह से मैंने शाम को मतलब ऐसे बना दिया था, मैंने नहीं रिकॉर्ड किया बनाते वक्त, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हर चीज़ को रिकॉर्ड करने में। और ये रहा इसका फाइनल लुक। फाइनल लुक मतलब अभी तक नहीं है, इसमें दिया जलाना भी बाकी है। और मैंने भोग के लिए यहाँ पे खीर बनाया है, चावल की खीर। शाम को ही मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं नहा धो के पूजा के लिए आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने मिठाई रख दिया है सफ़ेद वाला। और ये मिठाई भी लाया था, लेकिन ये मुझे मतलब पता नहीं इसमें क्या मिक्स है, शायद अंडा वगैरह मिक्स हो मुझे ऐसा लगा, इसीलिए मैंने इसको नहीं चढ़ाया था देवी माँ को। और फिर मैंने देवी माँ के पास जितने भी दिए मैंने जलाए थे, सब मैंने शुद्ध देसी घी से ही जलाए थे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि देवी माँ के पास जो दिए हैं ना, देसी घी का ही जलाना चाहिए। तो मैंने सब दिए को देसी घी में ही जलाया है। और अभी मैं इसके ऊपर गंगा जल को छिड़क रही हूँ, क्योंकि गंगा जल के बिना कोई भी पूजा अधूरा है। तो मैंने अच्छी तरह से गंगा जल को छिड़क दिया है। अभी मैं एक के बाद एक करके सब दिए को इस तरह से जला लूँगी। और जलाने के बाद ना पूरा इतना अच्छा लगता है, जो इसका मतलब कंप्लीट लुक जो है पूरा चेंज हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे गूगल चला रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है पूजा में। तो मैंने इस तरह से इसको जला लिया है नारियल के जो छिलका होता है उससे, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ये बूझ जा रही है। मतलब वो सूखा नारियल का छिलका होने से अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे शायद भीगा हुआ है, इसीलिए जला नहीं पा रही हूँ। अभी मैं टीका लगा रही हूँ, पहले मैं गणेश भगवान को पूजा कर लूँगी। इसको मैंने टीका लगा दिया है, कुमकुम का, हल्दी का, सिंदूर का, सबका इस तरह से। और रूही को भी देखिए, रूही को भी मतलब मुझे जो मतलब देखती है ना करना, वो भी उसी को करना चाहती है, चालू हो जाती है, मतलब चाहती है, वो हर चीज़ को सीखना चाहती है, उस चीज़ को मतलब उसको करना है बस। मैंने जो किया, अगर वो उसके मतलब वो करना चाहती है हर चीज़ को, चाहे वो उसके मतलब का उसके लायक हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है, बस करना है। फिर मैंने गणेश भगवान के आगे पीछे इस तरह से पीले फूल को चढ़ा दिया है, क्योंकि गणेश भगवान को हमेशा पीले फूल से ही पूजा करते हैं। उसके बाद दुर्बा भी मैंने इस तरह से रख दिया है इसके ऊपर। फिर मैंने जो मेन जो मेरा दिया है उसको मैंने जला दिया है अभी, और ये ईशान कोण में रखा जाता है, और बाकी ये जो है अग्निकोण में रखा जाता है।
इसको भी मैं रख दूँगी इस तरह से। ये पूरी रात जो है जलती रहेगी, ये इसको ना बुझने नहीं देना है पूरी रात। और यहाँ पे मैंने प्रसाद का भोग लगा दिया है, यहाँ पे खीर है, मिठाई है और पोहा है और केला है, सेव है, बस यही सब से मैंने कल का पूजा किया था। फिर बाद में कुछ सामान बाहर से भी आ गए थे मेरे घर में, जो आए थे उसने उन लोगों ने भी कुछ चीज़ें चढ़ाने के लिए लाए थे, तो बाद में बहुत सारा चीज़ें हो गया है। और मैंने इस तरह से अभी लक्ष्मी जी को सिंदूर लगा के और मेरे चूड़ियों में लगा के फिर मैं अपने आप को लगा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा करने से शुभ माना जाता है, इस तरह से करना चाहिए। और अभी सब भगवान को पूजा करने के बाद मैं करूँगी, कर रही हूँ। जो सिल्वर का, जो चांदी का जो वो कॉइन्स होता है ना, वहाँ पे लक्ष्मी गणेश का जो मूर्ति होता है उसको मैं इस तरह कर लूँगी पूजा। और इसके बाद कर्पूर को जला के इस तरह से मैं आरती कर लूँगी। और कर्पूर को जलाने के बाद, इस तरह से आरती करने के बाद ना, हमेशा उसका जो ताप होता है ना वो लेना चाहिए, मतलब ऐसा शुभ माना जाता है, इस तरह से लेना चाहिए हमेशा सबको, घर में जितने भी मेंबर है सबको इस तरह से लेना चाहिए। और ये है मेरा जो पूजा का स्थान है, इसका फ़ोटो, फ़ोटो में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब दिया जलाने के बाद ये पूरा मतलब स्थान जो है बहुत अच्छा लगने लगता है। और इस तरह से पीले चावल और बाकी सबसे मैं अपनी पूजा को कंप्लीट कर लिया है, और बाकी का रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मैं कुछ पढ़ रही थी, तो इसीलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और इसके बाद में जो मैंने रंगोली बनाया था, रंगोली में मैंने इस तरह से दिए को जला लिया है। और मैंने एक अल्पोना भी बनाया था जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ख़राब मैंने बनाया, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया था। और एक्चुअली इसका जो लिक्विड होना है ना वो अच्छा नहीं बना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिए मतलब पतला हो गया था, जिसकी वजह से चारों ओर से फैला गया। थोड़ी बहुत आप लोग देख सकते हैं जिससे मैंने लक्ष्मी माँ की जो ये है, हाँ ये देखिए, मैंने पता नहीं कब रिकॉर्ड कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला, अभी देख रही हूँ, बहुत गंदा बनाया पता है, लेकिन फिर भी पूजा के लिए जो कुछ भी बनाया है मन से बनाया है, दिल से बनाया है, तो मतलब जो भी हो अच्छा लगता है। और अभी रूही जो बाकी का दिया है ना, फूल को ऐसे सजा रही है, जला रही है दिए को। और मैं आपको अभी आंगन से लेके अंदर तक का पूरा व्यू दिखाऊंगी। इस तरह से गेट के बाहर मैंने अल्पना बनाया था, उसके बाद दरवाजे के सामने ही मैंने फूलों से सजाया हुआ ये रंगोली बनाया था। उसके बाद मैं इस यहाँ पे मैंने अपना पूजा किया था, ले लिया है, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी सब्जी, और बाद में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। अभी मैं रात के खाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है, और आज मैं बनाऊँगी सोयाबीन। और यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके रखा है कुकर में, और यहाँ पे मैंने तेल को गरम किया है। आज मैं सोयाबीन, टमाटर और आलू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के और बैंगन फ्राई करूँगी रोटी के साथ खाने के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रसाद में बहुत सारे कुछ खा लिया है, और अभी सब्जी हो गया है, इस तरह से मैंने सूखी सब्जी बना लिया है, पानी इसमें ऐड नहीं किया था मैंने क्योंकि इतना मतलब अच्छा नहीं लगता है, और ऊपर से खीर भी है। और ये बैंगन को मैंने अभी एक के बाद एक को फ्राई कर लिया है, और साथ में मैंने रोटी को भी इस तरह से बना लिया है। मैं रोटी गोल नहीं बना सकती, इसीलिए आप लोग मतलब इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे से नहीं होता है गोल रोटी, मेरे से नहीं होता है, बस पता नहीं क्यों कभी कभी एक दो बन जाती है एक्सीडेंटली, बट वैसे मैं गोल रोटी बना नहीं सकती। और इस तरह से मैंने सब कुछ एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ, एक साथ से खाना बना रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी मैंने पूजा के स्थान से सब कुछ प्रसाद वगैरह उठा लिया है, क्योंकि सबको मैंने बांट दिया था, मेरे पड़ोस में भी जो कोई भी है सबको मैंने दे दिया था, और हम लोगों ने भी ले लिया था, तो यहाँ से मैंने सब कुछ उठा लिया है। और हाँ,
आज का ब्लॉग, मतलब अब पहले दिन का ब्लॉग में यही ख़त्म होता है। ये है दूसरे दिन का, जो कि लक्ष्मी पूजा इस बार 2 दिन के लिए हुआ था, तो उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस ऐसे ही सारे घर को ऐसे लाइट से सजाया है। लाइट मतलब ऐसे कैंडल से सजाया है। मेरा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का जो सेंटर टेबल है वहाँ पे मैंने वाटर कैंडल, और ये जो है DIY है कैंडल, जो पॉट है उसको भी मैंने ही बनाया है, और इसके अंदर ये कैंडल है, और ये है दरवाज़े के पास जो कि बासी जो फूल रह गया था कल का, वो आज मैंने यहाँ पे रख के यहाँ पे मैंने कैंडल को लगा दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से लगाने से, आप लोग भी इसे ट्राई करना। जो बासी फूल होता है ना उसको फेंक मत दीजिएगा, एक दिन आप लोग इस तरह से भी किसी भी फेस्टिवल में यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने कल का जो रंगोली है उसको मैंने नहीं हटाया था, तो वापस से यहाँ पे मैंने दिए को लगा दिया है, और बाकी मैंने कुछ नहीं किया आज, पूजा वगैरह इतना नहीं किया था। और मैंने मतलब ऐसे दिए लगाया था, लेकिन जो पूजा है प्रॉपर पूजा जो होता है लक्ष्मी पूजा का, वो नहीं किया था आज। सिर्फ मैंने ऐसे दिए लगा के जो बोलते हैं ना प्रार्थना करते हैं वो करके बस रख दिया था। और ये रहा अंदर, आके फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि बार बार दिखाने का मन करता है, बहुत अच्छा लगता है खुद से बनाए हुए चीज़ों को दिखाने से। और ये रूही तो हमेशा कैमरा के साथ में नहीं रहता, आप लोगों को तो पता ही है, वापस से मैं फिर दिखा रही हूँ। और आप लोग कमेंट में बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू।